वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं जगमीत कौर सिख चैनल वेख रहे सारे दर्शकों के नाल यूके ते यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ। सब तो पहला नज़र मार लेने खास खबर से। पटियाला सिख नौजवानों की कुटमार का मामला, हरपाल चीमा ने ले जख्मी नौजवानों की सार, परिवार ने की दोषियों नौकरियों कड़न की मांग। श्रोमणी कमेटी ने की सिख नौजवानों कुटमार की निखेधी, दोषी पुलिस मुलाजमान खिलाफ होवे सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली च कांवड़िया ने किया हंगामा अते तोड़फोड़, कांवड़ी नाल गड्डी टकराने तो बाद शरेआम भरी गड्डी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल च भर्ती सत्त सिख नौजवानों नूं मिलण विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा पुजे। उधर नौजवानों के परिवारक मैंबरां ने बाकी सियासी आगुआं की तरह हरपाल चीमा अगे भी कुट मार दे दोषी पुलिस मुलाजमान नूं नौकरियों लाहुण की मांग की। बीते दिन पटियाला नेड़ले कस्बा सनौर च सत्त नौजवानों से पुलिस वालों ढाहे गए तशद्दद का मामला भखदाई जा रहा है, जिस तो बाद इन्हां नौजवानों का हाल चाल जानने लई आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर के नवे आगू हरपाल सिंह चीमा और डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला के रजिंद्र हस्पताल पहुंचे, जिथे उन्होंने इलाज करवा रहे जख्मी नौजवानों का हाल चाल जानिया। इस मौके आम आदमी पार्टी वालों सरकार को इस मामले की गंभीरता न लैण और दोषियों खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवारक मैंबरों मुताबक पुलिस ने उन्होंने बच्चों से इस कदर कहर ढाया कि वह हुण चलन फिरन तो असमर्थ हो चुके ने। उन्हें मुँह चो झागा नहीं शुरू हो गई, वह हाथ पैर तो इंज हो लग गया भी उन्होंने जो दस बंदे भी फटते सन तो भी नहीं काबू नहीं आ रहा। बच्चे लत्त ऐन कर रही, लत्त बिल्कुल अपाहिज करता, मार मार के एक लत्त बिल्कुल नहीं आती कम कर रही। इस टाइम ना उनका माइंड काम कर रहा है, गले दे विच उन्हें पुलिस वाले ने इत्थे उन्हें अपना पैर का जिहड़ा बूट सी उन्हें दबा के रखिया, उस तो बाद उन्हें सिर तो वालों तो फड़ के उन्हें छाती दे विच मुक्के भी मारे, उन्हें छाती के उत्ते खड़ भी गया, उन्हें फिर उन्हें लिंग खिंचन लग गया, बच्चों सारे नंगा करके उन्होंने एक दूजे के लिंग खिंचवाए उन्होंने बच्चों ना, जिहड़े मेरे बेटे दो सिख सन उन्होंने दाड़ियां ते सिरां दे वाल उन्होंने इन्नी बेअदबी की उन्होंने कि वह चीकां मारते रहे भी साढ़े केस छड़ दो, साढ़े केस छड़ दो। उन्होंने साड़ी एक नहीं सुनी बच्चों की, मेरा बेटा अमरदीप थाने दे विच बेहोश हो गया। परिवारक मैंबर मुताबक उन्होंने अपने बच्चों नाल वापरी इस घटना का पता सोशल मीडिया तो लग्या, क्योंकि इन्हों नौजवानों विच एक इस सारे तशद्दद की वीडियो लाइव बना रहा सी। हर्ष मेहरा उस बच्चे ने वीडियो बना ली सी, वो वीडियो उन्हें लाइव टैलीकास्ट चल रही थी, जब वो उन्होंने वो चल रही थी तो बरेली तो उनका मासी का बेटा बैठा सी लैपटॉप पर काम कर रहा, जब उन्हें देखा भी उनका मैसेज आ रहा भी वो ये की कर रहा है, जब इन्हें देखा भी पुलिस वाले इन्हों मारकुट कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत फिर उन्होंने मम्मा ने फोन करा भी मासी भी उन्होंने भी तो बच्चे कितने है, कहती वो तो दुख निवारण साहब गए, कहता नहीं उन्होंने पुलिस कुट रही है मार रही है। फिर सानू तां पता चलिया, फिर उन्होंने जब देखा भी इन्हों की भी रिकॉर्डिंग भी बाहर तक चली गई है, मीडिया से जा रही है या कुछ हो रहा, फिर सारे बच्चे के फोन उन्होंने तोड़ते, उन्होंने इंज तोड़े कि इन्हों क्या भी किन्दे किन्दे फोन के रिकॉर्डिंग हुई है। एक बच्चे का फोन पड़िया उन्हू इन्ना मारिया, उनका फोन तोड़ता, दूजे बच्चे का फोन लिया उन्हू इन्ना मारिया, फिर उनका फोन तोड़िया, इंज करते करते सारे बच्चे के नाल उन्होंने ये हाल कर। फिर सानू कार सानू कार पता चलिया जो सानू बरेली तो मैसेज मिलिया सानू भी उन्होंने साडे बच्चे दे नाल ए कर रहे ने, सानू तां पता चलिया इस गल दा, इते सानू नहीं पता सी। हालांकि जिला SSP मामले दे मुख मुलजम थानेदार नरेंद्र सिंह नू पहला ही मुअत्तल कर चुके ने, पर इस दे बावजूद भी परिवारक मैंबर दोषी पुलिस वालियां खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे ने। इक उहनू नौकरी तो इन्नी दूर कर दो ताकि उस बंदे नू पता चल जाए भी इक गरीब घर के पुत्र के नाल उन्हें की करिया, क्योंकि पैसे वाले तो बहुत कुछ कर जाते हैं पर कभी गरीब के नाल भी इंसाफ होया। जिन्हें भी इत्थे राजनीति वाले बंदे आए ने मैं उन्होंने अगे यही कहनी हाँ भी उस बंदे नू पूरी तरह डिसमिस कर दो उन्हों, ताकि उन्हों याद रखे कि एक गरीब की भी सुनवाई होंगी है। पर मेरे हिसाब से मैनू यह लगता ये सारे अपनिया रोटियां ही सेक नस्से आ रहे हैं, मैनू इन्हों तो कोई उम्मीद नहीं जी। जे तुसी भी साडी आवाज़ सुन रहे हो प्लीज़ अमरदीप की मदद करो, अमरदीप नू सिर्फ तुहाडे ते भरोसा, वो इस वक्त उन्हों ड्यूटी तो भी उनकी नौकरी भी खत्म हो गई है।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ASI ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ASI ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਗਏ। ਉਸਨੇ ASI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ASI ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ASI ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ASI ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਕੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਕਲ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
कि सिख कौम की कुशलता नूं देखदिआं ही इह हमले किए जा रहे हैं। उन्हां बरगाड़ी मामले बारे गल करदिआं कहा कि इस केस विच सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है अते जल्द ही आरोपियों नूं गिरफ्तार करके सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। भाई परमजीत सिंह जी सरना, हरविंदरपाल सिंह जी सरना, श्री अकाल तख्त साहिब विखे मंग पत्र दे के गए हैं। पांच सिंह साहबाना की मीटिंग बुला के उस उत्ते विचार करके जो भी पांच सिंह साहबाना का फैसला होगा वो अनुसार अगे असी कार्रवाई करा। भाजी अज असी सिंह साहब न बेनती पत्र दिता, अपना मंग पत्र असी नहीं कर सकते क्योंकि जथेदार सभा बेनती की जाए। वो है कि 550वां प्रकाश उत्सव 2019 के संसार भर के सिख मना रहा और उस दे लई असी इन्हां नूं यह बेनती की है कि जिन्हां भी शख्सियतों पंच छिकया गया है उन्हां सारे शख्सियतों पंच दे विच वापस लेना चाहिए, धार्मिक शख्सियतों और उन्हां ते कोई शर्त भी नहीं लानी चाहिए। उन्हां नूं आ के वह दरबार साहब अपनी मर्जी अनुसार जब भी आन दरबार साहब अकाल तख्त साहब मत्था टेकन ते ओए उन्हां दी पुल बख्शन चाहिए, समझी जाए उन्होंने पंच वापसी समझना चाहिए। देखो गल हैगी कि एक बार सानू ये शिकायत मिली सी ब्राज़ील तो, सरदार पतवंत सिंह बहुत वधिया राइटर हो सिख कौम दे विच, असी उन्होंने बेनती की जी भी सिख कौम के बारे सानू एक तुसी छोटी जी किताब लिख के दे दे। वो अज भी किताब जी दिल्ली कमेटी पई हुई है, सानू वो जिया किताबं जगह साहब पतवंत सिंह लिखिया किताबा उन्होंने हर जर्मन भाषा फ्रेंच वे स्पैनिश वे हर भाषा तब्दील करके उन्होंने हजारा लखन की तादाद उन्होंने वढ़नी चाहिए है ता कि सिख कौम बारे सारे पता कर सके। संसद मैंबर रवनीत बिट्टू वालों 4 साल पहला इसे वाल पिंड गोद लिया गया सी ता जो उसका विकास किया जा सके, पर इन्ह 4 साल बिट्टू ने इस पिंड की सार तक नहीं ली। इस पिंड विच सिर्फ एक नाम वजो ही सीवरेज का प्रोजेक्ट शुरू किया गया सी जिसका काम हाले तक नहीं हो पाया है। इस बारे पिंड की सरपंच सुरजीत कौर ने दसिया कि संसद वालों हुण तक सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए हैं अते सीवरेज का काम हाले 10% भी नहीं होया। उन्होंने दसिया कि पिंड कई मूल सुविधावां तो भी वांझा हो चुका है। पिंड वासियों का कहना है कि 4 साल पहला पिंड नूं गोद लैण तों बाद यह उम्मीद बनी सी कि पिंड का विकास हो सकेगा, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया। उधर लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत बिट्टू का कहना है कि केंद्र की सरकार वालों गोद लए गए पिंड लई 1 रुपए तक का भी फंड नहीं दिता गया। प्रधानमंत्री जी ने यह गाँव लिया सी, उन्हां दी स्कीम सी प्रधानमंत्री जी ने, तो एक फुट्टी कौड़ी भी हजे तक प्रधानमंत्री जी की जी सेंटर की स्कीम सी फुट्टी कौड़ी भी हजे सानू हजे तक मिली नहीं। सर प्रधानमंत्री वालों मान लो फंड नहीं मिले फिर जो इलेक्शन आ रहे वो तो नुकसान नहीं होगा? मेरे लिए सारे पिंड 450 के पिंड उत्ते मेरे पिंड ने, मैं सारे पिंड मेरे गोद लए हुए ने, तो मैं सारे पिंडां दा विकास करना मेरी जिम्मेवारी आ। ये जो प्रधानमंत्री जी एक पिंड सारे पार्लीमेंट हल्कियां जिन्होंने ले सीगे ते उहदे लई एक पैसा भी फुट्टी कौड़ी भी है जिहड़ी किसी सेंटर स्कीम चो पैसा नहीं आया। बिल्कुल जी एक बस तक नहीं जांदी पिंड, तुसीं इहदे बारे कुछ लिखिया कि बस शुरू कीती जाए उत्थे? बिल्कुल ये गल्लां साडी जिम्मेवारी आ, असीं सारे पिंडां च जिहड़ी जिहड़ी भी सहूलत कोई नहीं गी उह सहूलत नूं लागू करवाउणा साडा काम आ, ते लगातार इस चीज़ लई असीं लगे हुए हाँ। इसे वाल पिंड लई जिहड़ी MP दे तौर ते जिम्मेवारी है मेरी वो मैं 100% निभाऊंगा, सरकार दे तौर ते जिहड़ी जिम्मेवारी है वह सारे पिंडां लई जिहड़ी बनदी है इसे वाल लई भी बनदी आ, पर जिहड़ी तुसीं विशेष गल कीती आ इस पिंड अडोप्ट करन दी वह प्रधानमंत्री दी स्कीम सी, ते उस गल दा असीं आउण वाले दिनां च होर चेहरे नंगे करांगे भी की वादे कीते गए सी भी इस स्कीम दे विच की राहत कोश होर स्कीमां च पैसा आएगा। हाँ जी सोचा जी बहुत असी खुश होए सी, सारा पिंड खुश हो गया सी जी, जदों भी किसी डिपार्टमेंट ने कोई गैदरिंग करनी तो लोग बहुत कट्ठे होंदे सी खुशी खुशी, तो असी हमेशा स्टेज तो मैं खुद कहिंदी हुंदी सी कि अपना पिंड इन्ना सोहना बन जाना शहीद दा करके पिंड है, इस करके बाकी जिहड़े MLAs ने अडोप्ट किए पिंड उन्हां नालों भी बेहतर अपना पिंड बनूगा, लोग बाहरों देखण आया करनगे अपने पिंड नूं, पर सारे उदास ही होए सारे भी इन्नी ज़्यादा सानू हौसला दिता भी सारा कुछ थोड़े पिंड च होगा, तो पर होया नहीं वह गल बनी नहीं। पंजाब गवर्नमेंट की स्कीमों के हिसाब न जड़ी जड़ी गल अकाली गवर्नमेंट हो के कुछ दे सकते सी, आंगनबाड़ी बनी है ज पंचायत घर बनया वै, तो इस तरह सुविधा केंद्र बनया सी, तो गलिया नालिया की ग्रांट आती रही वो सीवरेज पाया वै, काफ़ी सारी ग्रांट साढ़े आह जे SC भाईचारा वा उन्हों गलियाँ ज़्यादा
घट चौड़िया सी ते उनू असी सीवरेज पा के इंटरलॉक टाइल्स पा के बड़ा वधिया वो सारा एरिए दे विच थां सब तो पहला असी उनू डिवेलप किया। तो इस तरह जिनी जिवें सानू ग्रांट मिली असी उस तरह सीवरेज पा के करते रहे हाँ काम। तो 10 लाख की ग्रांट सानू एम पी साहब वालों आई सी जिदे नाल असी सीवरेज पाया वै उन्ना क, पर उस तो बिना उन्होंने इन्ना कुछ हो नहीं पाया जो होना चाहिए सी, क्योंकि शहीद का पिंड है होर तो होर बस भी नहीं इस पिंड आ रही, बैंक नहीं इस पिंड है, हेल्थ सेंटर है उसका दर्जा वधाउण कहा सी कुछ नहीं होया, वैटनरी हॉस्पिटल है उहदे विच असी कहा सी डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए आ, नहीं उहदा भी दर्जा नहीं वधाया गया। गुरदासपुर के पिंड जोगोवाल जट्टां च 8 साला बच्ची के कतल का मामला जोर फड़ता जा रहा, जिस तों बाद पिंड वासियां ते परिवारक मैंबरां ने दोषियों की गिरफ्तारी लई रोस प्रदर्शन किया। देश विच बलात्कार अते बलात्कार तो बाद कतल दीयां घटनावां च लगातार वाधा हुंदा जा रहा है। इन्ना ही नहीं हफ्स दे पुजारी सब तो ज़्यादा नाबालग बच्चियां नूं अपना शिकार बना रहे ने। ताज़ा मामला गुरदासपुर के पिंड जोगेवाल जट्टां च वापरिया जिथे गुआंढी नौजवान ने मसीह भाईचारे नाल संबंधित 8 साला बच्ची नूं पहला अपनी हफ्स का शिकार बनाया ते बच्ची दे विरोध करन तो बाद मोबाइल चार्जर नाल बच्ची का गला घोट के उसका कतल कर दिता, जिस तो बाद हरकत में आई पुलिस ने दोषी नौजवान को गिरफ़्तार भी कर लिया। पर परिवार के मैंबरों का इल्ज़ाम है कि बच्ची के कतल मामले दोषी होर भी ने जिन्हों पुलिस वालों बचाया जा रहा है, जिसके रोस वजो परिवारक मैंबर ने गुरदासपुर कौमी मार्ग से कई घंटे तक चक्का जाम करी रखा खड़ के उन्होंने मरूदा के भज के नाल कुड़ी अंदर कोठी के लैके मुंडे ने चार जने मुंडे है जिन्होंने उनके नाल ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਕੱਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਚਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਅਖਤਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਰਲੇ ਦੇ परसों रात 5 अगस्त शाम तो एक छोटी बच्ची जो 7 साल उम्र की अंजलि पिंड तो गायब सी ते उसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती गई ते जदों पुलिस नूं पता लग्या कि एक कोठी दे विच उहदी डैड बॉडी मिली है ते उह डैड बॉडी नूं रिकवर करके जो लड़के सी उह फड़े गए, पर परिवार दे वल्लों इह पूरी तसली नहीं सी ते जिस दा करके उन्हां नूं इत्थे धरना लगाना पिया कि बहुत दोषी छड्डे जा चुके हैं। तो पुलिस ने प्रशासन ने उन्हां दी मंग मंगदे हुए ये तसली दित्ती है कि जो दोषी हैं उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी FIR दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच इनवॉल्व किया जाएगा तो उन्हां नूं जो सज़ा बनदी उन्हां नूं सज़ा दवाई जाएगी। अज मेरे वल्लों इत्थे आ के सारे भाईचारे नूं समझा के उन्हां नूं सारा समझाया कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तुहाडे नाल है, जो तुहाडे हक बनदे हक तुहानूं मिलणगे। उस आश्वासन के उत्ते उन्होंने DC साहब तो SSP दे साहब आश्वासन से उन्होंने धरना चक्किया। अज इत्थों क्रिश्चन कम्यूनिटी वालों नैशनल हाईवे कोई 3:30-4 बजे जाम किया गया तो हुण तक समझौते दे नाल खोला गया। उत्थे ही मौके पर पहुंचे जिला डिप्टी कमिश्नर अते SSP ने दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे के परिवारक मैंबरों नूं शांत करवाया। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है सानूं टैक्निकली सवेरे उहदा रिजल्ट पता लगना हैगा ते असीं पोस्टमार्टम च अपने उहनां नूं स्पैशल रिक्वेस्ट भी भेजी सीगी इहदे च कोई रेप या कोई होर बॉडी इंजरी कोई आई इहदे बारे दस्सिया जावे, इहदे बारे कल सवेरे क्लीयर होगा। प्लस जिहड़े फादर हैगे आ डिसीज़ दे जिहड़े बच्चे दे वो स्टेटमेंट साढ़े को आऊगी, फिर जिमें स्टेटमेंट आने तो बाद नैक्सट कार्रवाई जिम्मे अभी किया है विदिन 48 आवर्स अभी कंप्लीट करा। हाँ धरना समाप्त कराता गया, आश्वासन देता उन्होंने जी साढ़े वो आश्वासन जी इन्वेस्टिगेशन जी है जिमें असं उत्थे भी अनाउंस किया कि बिल्कुल फेयर होगी, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं, एज पर लॉ जो है जो स्टेटमेंट आऊगी असं उन्होंने उस तरह अपने हैंडल करेंगे और किसी मुकाम से पहुँचावे इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आऊगी जो विसरा रिपोर्ट आऊगी अकॉर्डिंगली जो कार्रवाई बननी अभी करेंगे। बिल्कुल जी बहुत अनसुखावी घटना हुई है वो अज रोस प्रदर्शन हो रहा है तो सिचुएशन जी मौके की जी खास ही घटना की सेंसिटिविटी देखते हुए मैं तो SSP साहब मौके पर आए हैं। सो साडे वल्लों एक तो जी मेन इन्हों की साई भारीचाई डिमांड सी कि जे अक्यूज़ ने उन्होंने टू अक्यूज़ है उन्होंने 48 आवर्स उन्हों की गिरफ़्तारी होनी चाहिए है, वो असी इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने बयान लिखवा देने वो बाद 48 आवर्स असं इन्हों की गिरफ़्तारी जरूर करवावे।
इस तो अलावा इन्हों की जी दूजी मुरली डिमांड सी कि इन्हों की एक कमेटी बन के थोड़ा सा इंश्योर करन कि कोई जी तफ्तीश है वह इंपार्शल हो भी असी इन्हों आश्वासन दिता है कि जी तफ्तीश है वह न केवल छेती करवाई जाऊगी बल्कि 100% इंपार्शल आप इंश्योर करा। दस दिए कि बीते दिन मृतका बच्ची लापता हुई सी जिस दे लापता होने की रिपोर्ट परिवारक मैंबर ने पुलिस को दी, जिस तो बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित करके मामले की जांच शुरू की। बच्ची की लाश फौज के एक कैप्टन के बंद पे मकान चो बरामद हुई। लाश बरामदगी समय बच्ची के पैर बन्ने हुए सी अते मोबाइल चार्जर की तार नाल उसका गला घुट के कतल कर दिता गया। फिलहाल बंद पे मकान की देखरेख कर रहा दोषी नौजवान और उसका पिता पुलिस की गिरफ्त में दसे जा रहे हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ 16 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कैंसर प्रभावित लोग दर दर दियां ठोकरां खा रहे ने, परंतु उन्हां दी सार लैण ते मदद करन वाला कोई भी विखाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम है किदों तो? दो महीने हो गए सी सानूं। ते जिहड़ा इहदा खर्चा हुंदा फिर तुसीं ओह किवें करदे? खर्चा ते फिर भैणा कोल फर्क करदे। मतलब कि तुसीं ते फिरोजपुर च इहदा इलाज नहीं होया? इस टाइम इह टाइम तां नहीं फेर कोल जाण 20 दिन बाद। तुसीं बार बार आंदे जांदे हो कि इहदे विच तुहानूं कोई सरकारी मदद है? नहीं कोई नहीं। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸੇਕੇ ਲਵਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, 5 ਜੁਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੀੜਿਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ, 4 ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੈਂਸਰ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਚੁੱਕੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
दिल्ली विच कावड़ियां दी गुंडागर्दी दीआं लाइव तस्वीरां सामने आईआं ने। तस्वीरां च कावड़िए एक गड्डी नूं शरेआम तोड़दे नज़र आ रहे ने। असल च इक औरत दी गड्डी कावड़ियां नाल हल्की जिही खह के लंघी तां गुस्से च आए कावड़ियां ने शरेआम दिन दिहाड़े देश दी राजधानी विच दहशत दा माहौल बना दिता, जिथे किसी का ज़्यादा नुकसान तो नहीं होया पर धर्म के नाँ ते कुछ गैर समाजिक अंसरां ने शरेआम गुंडागर्दी की। पर फिर भी पुलिस ने अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अज के इस बुलेटिन विच फिलहाल इन्ने ही। नवीं ते ताज़ा खबरों लई जुड़े रहो सिख चैनल दे नाल। तद तक लई मैनू दिओ इजाज़त, धन्नवाद।